स्वागत है दोस्तों आप सभी को हमारे फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। और दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 8, तो सबसे पहले आप सभी को हमारी ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और आज का ब्लॉग शूट कर रहे हैं रजरप्पा से, जो कि पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, दामोदर और भैरी नदी का संगम। और दोस्तों आज के इस ब्लॉग में आपको दिखाने वाले हैं लापरवाही का नतीजा, क्योंकि कुछ श्रद्धालुगण यहाँ पर पहुँचते हैं और काफ़ी लापरवाही करते हुए दिखाई देते हैं, तो उसी का नतीजा आपको दिखाने वाले हैं क्या कुछ हुआ है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और साथ ही दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए। और दोस्तों पीछे देख सकते हैं अभी भी दामोदर और भैरवी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन पहले से थोड़ा कम है। तो चलिए आपको सबसे पहले ले चलते हैं भैरवी नदी के तट पर, क्योंकि वहीं पर कुछ घटना घटी है, जो कि मेरे एक दोस्त का कॉल आया था, तो अभी तुरंत हम यहाँ पे पहुँचे हुए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। तो चलिए देर ना करते सीधे ले चलते हैं भैरवी नदी के तट पे। और ये रही हमारी बाइक, तो चलिए जल्दी से पहुँचते हैं और दिखाते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ओरिजिनल वॉइस को म्यूट कर दिया है, क्योंकि लोग काफ़ी चिल्ला रहे थे और गाली गलौज भी कर रहे थे, और इसे पब्लिक में पोस्ट करना मुझे सही नहीं लगा। और साथ ही देख सकते हैं पानी की बहती हुई धारा, जो कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना तेज़ गति होगी पानी की। और ये रहा लापरवाही का नतीजा, देखिए। तो दोस्तों आप लोगों ने लापरवाही का नतीजा देख ही लिया। दोस्तों मंदिर कमेटी के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा बार बार लोगों से निवेदन किया जाता है, लास्टमेंट किया जाता है कि नदी के तट पर ना जाए, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। और वहां एक आदमी का डुबकी लगाने के चलते कई लोगों को डुबकी लगाना पड़ता है, लोग इस बात को समझते नहीं हैं। और हमारे वीडियो के माध्यम से जो भी इस ब्लॉग को देख रहे हैं, आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग कभी भी अगर रजरप्पा आते हैं और अगर भैरवी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, तो आप लोग नदी के किनारे ना जाएं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।